हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोग को पता है कि नंबर सिस्टम हम बता रहे हैं, और नंबर सिस्टम में जो पिछला वीडियो था वो था नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। नंबर ऑफ जीरोज में मैं 3 वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूं इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा कि सारे टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट हैं। नंबर सिस्टम छोटा एक्सरसाइज नहीं है, छोटा चैप्टर नहीं है। मैथमेटिक्स का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बट काफ़ी बड़ा है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, आगे आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये बेस है। जिस तरह से घर बनता है तो एक बेस तैयार होता है, बेस के बाद ही घर तैयार होता है। ऐसा नहीं कि बिना बेस के आप घर तैयार कर लीजिए, अगर वो घर ऐसे तैयार करते हैं घर टिकेगा नहीं। उसी तरह से आपको मैथमेटिक्स सही करने के लिए नंबर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करना होगा। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके पहले नंबर ऑफ जीरोज बताएं, इसके पिछले वाला वीडियो में 3 वीडियो जो थे उसके पहले आपको हम बताएं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या के बारे में बताएं। फिर उसके पहले हमने नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल में समरी बताया, उसके बारे में कौन नंबर कैसे होते हैं, उसका रूप कैसे होते हैं, उसके बारे में बताएं। आज हम एक नया टॉपिक बताएंगे। पिछले क्लास में क्या बताए थे, आप पीछे वाले वीडियो को आप देख कर समझ सकते हैं कि वो किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। अभी जितने भी टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए एकदम नया बात होंगे। रहता है एग्जामिनेशन में कि अंडर 10 क्लास का क्वेश्चन पूछेगा, बट वो 10 से थोड़ा अपर लेवल का होता है। ऐसे देखा जाए तो फैक्टर के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन फैक्टर में भी क्या क्या कंसेप्ट है आप देख सकते हैं। जीरोज के बारे में कौन नहीं जानता, शून्य के बारे में कौन नहीं जानता, बट उसमें भी बहुत सारे टाइप थे, उस पर भी 3 लेक्चर लग गए। आज मैं बताने जा रहा हूँ डिजिबिलिटी रूल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा डिजिबिलिटी रूल, विविज्यता का नियम। आज हम लोग बात करेंगे विविज्यता का नियम पे, विविज्यता का नियम। आज ये टॉपिक पे बात होगी, एकदम नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है डिजिबिलिटी रूल। आज हम बात करेंगे डिजिबिलिटी रूल पे, हम लोग बात करेंगे। उफ, भी छूट गया। आज हम लोग इस पे बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे बात करेंगे। टॉपिक आप जैसे देख रहे हैं विविज्यता का नियम, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे अप्रॉक्स 6 या 7 में, कि 2 से कटने वाले नंबर को आप कैसे पहचानेंगे, 3 से कटने वाले नंबर को कैसे पहचानेंगे, 4 से कटने वाला, 5 से कटने वाला, 6 से कटने वाला। कम से कम आपको 1 से लेकर 11 तक आपको याद होना चाहिए, यानी इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर 11 तक कंसेप्ट पता है तो आप आगे खुद कर सकते हैं, क्योंकि 11 तक आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आप डिजिबिलिटी का रूल को बना नहीं सकते हैं। बड़ा बड़ा डिवाइड आ जाएगा और बोलेगा कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जरा सोचिए, डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल का बात करेंगे। फंडामेंटल कहने का मतलब, जैसे आप अगर 5 से 35 में डिवाइड करते हैं तो 5 यहां पे 35 कर दीजिए, इसमें कितना अर्थ लगेगा, 7 मर्तबे, और ये आपका कट जाएगा। ये सब तो बहुत इजी है, आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक बात है, तो आपको हम दम 0 से लेकर चल रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग सबसे पहले इसको हम डिवाइड किए, या अगर आप 5 से 37 में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से 35 यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है कि ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ये जो आपका नंबर है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं
इसको बोलते हैं भागफल, जिसको कोसेंट बोलते हैं। और इसको, ये जो नीचे वाला है, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, जिसका मतलब शेषफल होता है। यानी विविधता का नियम में, डिजिबिलिटी रूल में, हम लोग ये देखते हैं कि बीच वाले जो, अगर इसमें हम कहें ये वाला क्या होगा, भाज्य होगा, ये क्या होगा, भाजक होगा, ये आपका भागफल होगा और ये आपका क्या होगा, शेषफल होगा। और इसमें आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे मैं यहाँ 5 से 37 में भाग लगाया, 5 सते 35 और यहाँ पे 2 कट गया, तो ये जो बीच वाला नंबर है, ये नंबर इन दोनों के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। आप देख सकते हैं 7 पचे 35 और +2 कितना हो जाएगा, 37। ये तो आपको पता है। अब इससे एक फॉर्मूला निकलता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप बचपन के दिनों में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर जो होते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इट मीन्स अगर इंग्लिश मीडियम वाला इस तरह से पढ़े होंगे, डिवाइजर बराबर, सॉरी, डिविडेंड बराबर, आप लोग पढ़े होंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोग बचपन के दिनों में पढ़े होंगे कि भाज्य जो होते हैं भाजक गुना भागफल प्लस क्या होते हैं, शेषफल। ये सब तो आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी नंबर में अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसमें 4 बातें होते हैं। एक भाज्य होते हैं जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं वो भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, जितना मरते भाग लगता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी कोसेंट बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम 7 में 45 से डिवाइड करें, 45 में 7 से डिवाइड करें, 6 42, ये कटेगा, शेष कितना बच जाएगा, 3। तो बीच वाला कितना है, ये आपका भाज्य हो गया। भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 45। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 7। भागफल जो होंगे वो क्या होंगे, 6। और शेषफल क्या हो जाएंगे, 3। तो इसी को आप देख सकते हैं कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आप देख सकते हैं फिर ये 45 आ गया। तो आप ये फॉर्मूला समझ सकते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस क्या होते हैं, शेषफल होते हैं, शेषफल होते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप बचपन के दिनों में पढ़े होंगे, ये आपका यूज कहीं कहीं होगा। यानी कोई नंबर किसी से डिवाइड पूरा पूरी कर देगा तो वहां रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं 6 बराबर 2 गुना 3, यहाँ पे शेष क्या है, 0। इसका मतलब 6 को 2 क्या कर रहा है, कितना बार डिवाइड कर रहा है, 3 बार। अगर इसी को हम ऐसे लिख दे 3 गुना 2 प्लस 0, इसका मतलब इस 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, कितना मर्तबे, आपका 2 मर्तबे डिवाइड कर रहा है। ये सब तो बेसिक बात हुआ, ऐसा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जामिनेशन में आते हैं कि एक बड़ा सा नंबर दे देगा और पूछेगा, चेक करके बताइए कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में, विविधता के नियम में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 से कटने का क्या क्या रूल है, 2 से अभी हम आपको स्टार्ट किए हैं 2 से, और 2 जब आप सीख जाइएगा तो आप 4 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, 16 से क्या है, 32 से क्या है, इस तरह से 2 का जितना भी मल्टीपल होगा, यानी 2 का उससे, यानी जैसे ये 2 है, फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, इस तरह से डॉट डॉट रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 पर पावर n। यानी आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि 2 के रूप में जितने भी नंबर है उससे हम लोग
कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबिलिटी यानी कि इस नंबर से दो के फॉर्म में जितने भी नंबर है उससे कटने का क्या रूल है। उससे उसको बताने से पहले आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, संख्या बराबर दो अंकों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a+b। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, 33 ना लिखकर दूसरा नंबर हम 35 लिख दिए। 35 में ये जो होता है इकाई अंक होता है, पता है आपको, और ये वाला जो होते हैं वो दहाई अंक होते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आप संख महासंख तक पढ़े होंगे। जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो पढ़े होंगे यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से पढ़े होंगे। तो जरा सोचिए, आखिर ये जो संख्या का फॉर्मूला है, दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला है, ध्यान सुनिएगा, दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला आखिर ये 10a+b होता क्यों है। जरा सोचिए, अगर इसका स्थानीय मान निकालिएगा, जैसे 3 का स्थानीय मान निकालिए तो क्या होगा, 3 0, और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा। यानी चूंकि ये दहाई पर है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10, और ये क्या है, 5। मेरी बात समझ में आया, आप लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 10 + 5 लिख सकते हैं, यानी ये 10 आ गया फॉर्मूला के लिए। ये फर्स्ट नंबर है तो यहाँ ए लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, बी लिख दिए। जैसे एक और एग्जांपल ले, मैं यहाँ पे लिख दूँ 95 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 और प्लस आप 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 × 9 = 90 और 5 कितना हो जाएगा, 95। इस 9 में ही 10 से गुना क्यों हुआ, क्योंकि ये इकाई जगह पर है, ये इकाई पर है और ये आपका क्या है, दहाई पर है। दहाई मतलब क्या, 10। अगर 3 नंबर है, मान लीजिए हम 345 लिख दिए, अब हम कहें कि इसका, ये 3 अंकों का नंबर है, 3 अंकों का नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए, ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, इसको सी के जगह पर है, इसको लिख सकते हैं 100a 10b+c। ऐसा क्यों लिखे, जरा देखिए, 3 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको लिख सकते हैं 100 × 3। 4 क्या है, दहाई पर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 4, और सी के जगह पर क्या है, 5 लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी दो अंकों का जो संख्या होता है उसका फॉर्मूला 10a+b क्यों होता है, 3 अंकों का संख्या का फॉर्मूला 100a + 10b+c क्यों होता है। अगर 4 अंकों की संख्या निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 है तो 1000a, फिर क्या होगा, 100b, फिर क्या होगा, 10b, और प्लस क्या होगा, c। जैसे हम यहाँ लिख दें 3 5 7 9, हम कहें कि इसको जरा इस रूप में चेंज कीजिए, ये कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो 3 लिख दिए, 3 के बाद कितने जीरो होंगे, 3 0, क्योंकि 3 अंक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1000 × 3, फिर क्या लिख सकते हैं, 100 × 5, फिर क्या लिख सकते हैं, 10 × 7, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी बड़ा नंबर हो, आप 10th क्लास के अंडर में पढ़े होंगे कि संख्या का फॉर्मूला 10a+b क्यों होता है, दो अंकों की संख्या आप लोग पढ़े होंगे, दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला 10a+b क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे, इतना बड़ा नंबर लिख दिए, अगर हम कहें कि इसको आप कैसे तोड़िएगा, तो इस तरह से ये 3 है, 3 के बाद कितने जीरो हैं, 4 0, यहाँ पे 4 0 दे देंगे गुना 3, फिर यहाँ पे है 9, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 0 देंगे गुना 9 करेंगे, फिर यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 9 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 गुना 9, और 2 के बाद कुछ नहीं है, तो ये वाला हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगर ये कितने नंबर, कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, अगर हम कहें कि 5 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इसको आप कैसे लिखिएगा, 1 पर 4 0 ए, फिर बी है इसके पर 1000 बी, फिर क्या लिखिएगा, 100 सी, फिर क्या लिखिएगा, 10 सी, और लास्ट में क्या लिखिएगा, ये डी हो गया, डी, और क्या हो गया, ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका फॉर्मूला इस रूप में क्यों होता है, समझ सकते हैं, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर दो से कट रहा है, तब फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। अब ध्यान से समझिए, आप लोग पढ़े होंगे कि दो से कटने वाला जो डिजिट होना चाहिए उसके लास्ट में 2 का फॉर्म होना चाहिए, 4 होना चाहिए,
छः होना चाहिए लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ लिख दे 37893, ये दो से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, दो से डिविजिबल नहीं होगा। तो आखिर ये रटने वाला बात है, यहाँ हम रटाएंगे नहीं, पूरे आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे कि लास्ट नंबर ऐसा क्यों होता है। जरा देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट समझ गए कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए हम पहले बात करते हैं दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या चेक करना है, दो अंकों की कोई भी संख्या कि टू से डिविजिबल है कि नहीं। तो जरा सोचिए संख्या का, दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, 10a+b। इसको चेक करना है कि टू से कटेगा कि नहीं कटेगा। जरा सोचिए इसको चेक करने के लिए, ये आपका इकाई है और ये क्या है आपका दहाई है, ये दो इसको चाहेगा, दो से कितना मर्द कट जाएगा, 5 मर्द कट जाएगा, यानी ये इसको पूरा पूरी काट रहा है। कितना मर्द काट रहा है वो नहीं, बस काट रहा है ये देखना है, यानी ये इसको पूरा पूरी काट देगा तो शेष कितना बचेगा, 0। बट ये बी नहीं कटेगा, यानी यहाँ बी बाई कितना हो जाएगा, 2। इस बात को फिर से समझिए, ये 2 जो है, और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, ये 2 इसके नीचे के दोनों के नीचे, दोनों के नीचे होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10a/2 प्लस b/2, ये 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। ये तो इसको काट दिया, यही नहीं ना कटा, इसीलिए ये क्या है इकाई के स्थान पर है, यानी इकाई स्थान को ही इसलिए चेक करते हैं क्योंकि उसके पहले वाला जो होते हैं 10 वो 2 से कट जाएंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अगर 3 अंकों की संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की अगर हम लोग संख्या का बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100a प्लस क्या होगा, 10b प्लस क्या होगा, c होगा। तो इसको आप देखिए 2 से चेक करना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो ये 2 इसके नीचे कि इसके नीचे, सबके नीचे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100a/2, फिर यहाँ हो जाएगा 10b/2 और फिर क्या हो जाएगा c/2। देखिए 2 इसको काट देगा, 50 मरते यानी शेष यहाँ 0 बचा, फिर इसको भी ये 2 काट देगा, शेष कितना बचेगा, 0, बट ये नहीं कटेगा। यानी अगर हम दो अंकों की बात करें, अब यहाँ पे समझिए दो अंकों की कोई संख्या है AB, ठीक है, ये AB का मतलब क्या हुआ, 10a+b, तो इसमें हम लोग किसको चेक करेंगे, b/2 को, लास्ट डिजिट को, यानी b/2 जो लास्ट डिजिट होगा उसको देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 अंकों का कोई नंबर हो तो इसको क्या लिखेंगे, 100a प्लस क्या 10b प्लस क्या c, इसमें किसको चेक करेंगे, c/2 को, यानी लास्ट नंबर को। अगर 4 डिजिट का नंबर है ABCD तो क्या लिखेंगे, 1000a, फिर क्या लिखेंगे 100b, फिर क्या लिखेंगे 10c, और लास्ट में क्या हो जाएगा d, इसमें किसको चेक करेंगे, d/2 को। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर इसमें भी आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये अगर देखा जाए, अगर देखा जाए यहाँ पे, ये 2 इसको काटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, लेकिन ये नहीं कटेगा, फिर इसको ये काटेगा तो 0 शेष बचेगा, ये भी 0 होगा, क्या नहीं कटेगा, c/2, तो इसको हमको चेक करना है। फिर यहाँ पे इसको काटेगा तो शेष 0 होगा, इसको काटेगा तो शेष 0 होगा, इसको शेष, अगर ये काटेगा तो शेष कितना होगा, 0, बट इसको नहीं कटेगा तो d/2। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूँ, 3 2 7 8 9 4 5 3 2, और अब हम कहें क्या ये 2 से डिविजिबल है। अब जरा सोचिए पूरे नंबर को आप बच्चा की तरह डिवाइड कीजिएगा इस नंबर को, तो काफी टाइम लगेगा, मुझे क्या करना है, 2 से जब भी डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट को उठाते हैं, अगर लास्ट डिजिट कट गया वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा सिर्फ लास्ट डिजिट को, तो आपका ये आसानी से काट देगा, यानी जब लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो ये होल नंबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। 2 का कंसेप्ट समझ में आया, कि 2 के कंसेप्ट में हम लोग लास्ट डिजिट को ही 2 क्यों पकड़ते हैं, मतलब लास्ट डिजिट को ही क्यों पकड़ते हैं, आप समझ गए होंगे। कोई भी नंबर दिया हो, अगर कहे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक क्या करेंगे, पूरे नंबर को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट को लेंगे, लास्ट डिजिट को ही क्यों पकड़ते हैं, इस आप कंसेप्ट से समझ गए होंगे। तो बताइए कि 2 से कटने का जो रूल होता है आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो जरूर थम्स अप करेंगे कि हमको पता चले कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो 2 का रूल समझ गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये तो आप समझ गए होंगे कि ये अगर हम इसको डिवाइड करने के लिए कहें तो हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट डिजिट को उठाएंगे और डिवाइड करेंगे, कट गया, यानी होल नंबर 2 से कटेगा, यानी यहाँ पे 2 से 2 एक मरते कट गया, यानी शेष कितना बचा है यहाँ पे, 0 बचा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कट रहा है एक मरते, यानी यहाँ पे पूरा पूरी कट गया, तो शेष कितना आ गया, 0, यानी जब शेष 0 आ गया तो पूरा पूरी कट गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिख दे 7 3 2 9 7 2 3, और हम कहें कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, डायरेक्ट लास्ट डिजिट को उठाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे शेष कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आपका नहीं कट रहा है। तो उम्मीद है कि 2 से आप कैसे डिविजिबल कीजिएगा आपको पता चल गया होगा कि इसका ट्रिक क्या है, और ऐसा ट्रिक क्यों है ये भी आपको पता चल गया होगा इस थ्योरी से आपको पता चल गया होगा। कुछ और बातें बताएंगे 2 के कंसेप्ट में, पहले आप इतना बात समझ गए होंगे। अब 2 का मल्टीपल कौन है, 4 है, 4 से भी एक बात समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए 3 4 9, ये 3 डिजिट का एक नंबर दे दिए, अब हम कहें कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो याद रखिएगा जब भी 4 से डिविजिबल का बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 से डिविजिबल का बात करेंगे, 2 का डिविजिबल समझ में आया, अगर 4 से डिविजिबल का बात करेंगे तो 2 में एक डिजिट लिया है, लास्ट का एक डिजिट, इधर से लास्ट डिजिट में एक डिजिट लिया है, लास्ट वाला अंक को लिया है, 4 में हम लोग 2 अंक लेंगे। आप कहिएगा कि सर 2 अंक क्यों लेंगे, समझिए यहाँ पे, जैसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, कौन सा नंबर है, ए बी सी, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 ए, फिर क्या लिख सकते हैं, 10 बी, और फिर क्या लिख सकते हैं, सी। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, जब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 इसको काट देगा, कितना मरते हैं, 25 मरते हैं, यानी यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा, 0, लेकिन ये दोनों नंबर को नहीं काट पाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 बी प्लस सी बाई 4, ऐसा बराबर नहीं होता, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 4 से जब भी काटेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे, पूरे नंबर को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पूरे नंबर को हम 4 से नहीं काटने जा रहे हैं, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, और जब यहाँ पे डिविजिबल करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, शेष कितना बच जाएगा, 1। तो अगर शेष 1 बच गया तो क्या ये नंबर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब बात ये उठता है कि 2 वाला समझ गया, 4 वाला समझ गया, जैसे एक और एग्जांपल समझिए, 4 नंबर का ए बी सी डी, 4 नंबर है, ये 3 डिजिट का आप समझ गए, तो 4 नंबर को क्या लिखिएगा, 1000 ए, फिर क्या लिखिएगा, 100 बी, फिर क्या लिखिएगा, 10 सी, और लास्ट में क्या लिखिएगा, डी, और इसको अब 4 से डिवाइड कीजिए, तो जरा सोचिए 4 इसको काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, पूरा पूरी काटेगा। अब देखिए 4 से 1000 को काट कर देखिए, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, और ये लास्ट में 0 है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, या 250 मरते कट गया, यानी जब इसको हम इससे काटेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 0, फिर इसको 4 से काटेंगे शेष कितना आ जाएगा, 25 मरते कटेगा, 0, बच क्या गया, लास्ट का 2 डिजिट। तो आप समझ सकते हैं कि 4 से काटने के लिए, 4 से काटने के लिए हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, किसी भी नंबर का पूरा नंबर नहीं लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे दे दें, थ्री 8 9 2, हम इसको 4 से डिवाइड करना है, तो क्या पूरा नंबर लेंगे, पूरा नंबर नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 92 बाई 4 लेंगे, इसको काटिए ये कट जाएगा 13 बार में, यानी यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 4 का कंसेप्ट समझ में आया। अब एक बेहतरीन ट्रिक समझिए, जब आप किसी नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 2 का मतलब 2 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग लास्ट का फर्स्ट डिजिट लेते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। फिर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का क्या है, स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट का कौन सा लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, अभी सिखा है। अगर उसी तरह 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 6 नहीं लेंगे, 6 क्यों नहीं लेंगे, भले मल्टीपल, भले मल्टीपल 6 लेंगे तो 6 में 3 भी आ जा रहा है, तो मुझे ऐसा मल्टीपल लेना है 2 का जिसमें 2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, पावर 4 कर सकते हैं, यानी 2 के रूप में ही बदलना हो। अगर 8 का बात करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
टू पर पावर थ्री और लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, तीन डिजिट देखेंगे। आप कहिएगा हम आपका बात कैसे ये मान लें, पावर कितना है, तीन है। अगर ये बात समझ में नहीं आती इस कंसेप्ट को समझिए, अगर तीन डिजिट है, मान लीजिए हम चार डिजिट ले लिए, और अगर हम चार डिजिट लिए और इसमें आठ से डिवाइड करें, तो जरा ध्यान दीजिए इस चार डिजिट को क्या लिख सकते हैं, 1000A प्लस 100B फिर 10C और फिर क्या लिखिएगा D, और इसमें अब आठ से डिवाइड कीजिए। जब आठ से डिवाइड कीजिएगा तो आठ इसको काट देगा, देखिए आठ से 1000 आपका कट जाएगा, आठ एकम आठ, दो, आठ दुना 16 और फिर चार, आठ पच्चे 40। कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। तो ये इसको काटेगा तो शेष कितना आएगा, जीरो। बट इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, तो कितना नंबर बच गया, बी सी डी, लास्ट का तीन डिजिट बच गया कि नहीं बच गया। यहाँ पे आप एक डिजिट समझ रहे हैं मतलब कि एक नंबर, दो डिजिट मतलब क्या, लास्ट का दो नंबर, तीन डिजिट मतलब क्या, तीन नंबर को ही चेक करते हैं आठ से डिविजिबल देने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूं, 3, 2, 8, 9, 7, 4, और अब हम कहें कि इसको 8 से जरा डिविजिबल करके बताइए कि ये पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं। तो क्या सारे नंबर को चेक करेंगे, सारे नंबर को तो चेक करना संभव नहीं है, लास्ट का तीन डिजिट लेंगे, कितने नंबर लेंगे, तीन डिजिट, और तीन डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा कितना बार देखेगा, 8 एकम 8, एक बचेगा, आठ दूना 16, आठ एकम आठ, यानी यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 6। जब शेष 6 बच गया तो क्या ये 8 से पूर्णतः कटेगा, नहीं कटेगा। अब जरा सोचिए जब हम लोग तीन नंबर लेते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, तीन नंबर ले रहा है तो काफी बड़ा होता है। तो 8 में, 8 वाला केस में एक और कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तीन नंबर, पहला बात तो आप समझ गए कि 8 में लास्ट का कितना नंबर लेंगे, तीन नंबर लेंगे, तीन नंबर में आपने 974 लिया। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, कौन नंबर है मेरे भाई, ऑड नंबर, जो दो से डिविजिबल नहीं हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो लास्ट का जो दो डिजिट है उसमें चार जोड़कर आठ से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 78। देखिए यहाँ पे 8, 9, 72, 9 मरते कटेगा, शेष कितना बच जाएगा, 6। मेरी बात समझ में आया कि नहीं। 8 के लिए एक और ट्रिक बता रहे हैं, पहले मैंने क्या बताया, दो में कितना नंबर, एक नंबर, क्यों लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा थ्योरी बताया। चार में दो नंबर क्यों लेते हैं, आपको समझ में आ गया। फिर आठ में तीन नंबर क्यों लेते हैं, ये भी समझ गया। तो मैंने यहाँ देखा कि आठ में जब हम तीन डिजिट लेंगे तो काफी बड़ा जा रहा है, तो मैंने इसमें एक और ट्रिक बताया कि अगर तीन अंक ले रहे हैं, लास्ट वाला ऑड नंबर होगा, तो उस समय क्या करेंगे, लास्ट का जो दो डिजिट होगा उसमें चार जोड़कर आठ से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा वो उसके बराबर होगा। आई बात समझ में। और अगर ऐसा दे दे 3, 2, 9, 7, 2, 4, 8, 9, अब हम कहें कि इसको चेक करके बताइए 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो यहाँ का लास्ट का कितना नंबर लेंगे, तीन नंबर लेंगे, और जैसे ही तीन नंबर लेंगे, और अगर यहाँ पे इवेन नंबर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए, इवेन नंबर, तो इसको छोड़ देंगे, लास्ट का दो डिजिट चेक करेंगे, कितना अर्थ कर जाएगा, 11 मरते शेष कितना बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, 8 में 489, यहाँ देखिए 68, 48, ये तो 60 मरते कट जाएगा डायरेक्ट, 480, 9, 8 एकम 8, एक मिनट, जीरो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 68, 48, सॉरी यहाँ पे एक जीरो आ गया है, चलिए 48, ये कट गया, ये आपका कट गया, फिर क्या उतरेगा, 9, 8 एकम 8, कितना बचा, एक, देखिए तो शेष एक बचा। चलिए एक प्रेस पेज में समझते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 8, 9, 3, 2, 4, 9, 2, 8, 6, 9, 2, 8, 4, 8, अब हम कहें कि इस नंबर को चेक करके बताइए 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 में कितने नंबर लेंगे, लास्ट का तीन नंबर लेंगे। जब मैंने तीन नंबर लिया तो मैंने देख रहा हूं कि यहाँ पे तीसरा जो नंबर है वो इवेन है, इवेन है तो इसको भी छोड़ दीजिए, लास्ट का दो डिजिट लीजिए, 68, 48, यानी 6 मरते कट गया, यानी शेष कितना बच गया, जीरो। तो जब ये शेष जीरो हो गया यानी ये पूर्णतः
आपका कट जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो मैंने आपको इस पेज में क्या बताया कि टू से डिविजिबल है तो पावर एक है तो एक डिजिट लेंगे, चार से डिविजिबल है तो चार को क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर, तो लास्ट का टू डिजिट लेंगे। अगर आठ है तो टू पावर तीन लिख सकते हैं, तो लास्ट का कितना डिजिट लेंगे, थ्री डिजिट लेंगे। उसी तरह से यहाँ समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, कोई नंबर में या कोई नंबर है उसको दो से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब दो पावर एक, तो लास्ट का कितना डिजिट, एक डिजिट। ये आपका थ्योरी है। और अगर कोई नंबर चार से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है टू का स्क्वायर, तो टू पे पावर टू है, तो लास्ट का कितना डिजिट लेंगे, मात्र दो डिजिट लेंगे। और अगर आठ है, इसको हम लिख सकते हैं टू पे पावर थ्री, ये लास्ट का कितना डिजिट है, थ्री डिजिट है, तो कितने नंबर लेंगे, थ्री डिजिट लेंगे। लेकिन इसमें मैंने आपको एक नोट करवा दूं, नोट में ये कि यदि कोई नंबर को आठ से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का तीन डिजिट लेते हैं। अगर इन तीन डिजिट में तीसरा डिजिट इवेन हो, इवेन बोले तो सम हो, तो लास्ट का दो ही डिजिट लेते हैं, लास्ट का दो ही डिजिट लेते हैं, डिजिट लेते हैं। तथा अगर लास्ट का तीन डिजिट में तीसरा डिजिट ऑड हो, यानी ऑड का मतलब विषम हो, तो लास्ट के दो डिजिट में चार जोड़कर चेक करते हैं। चलिए इस बात को फिर से समझाते हैं। यदि कोई नंबर आठ से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का तीन डिजिट लेते हैं। अगर इन तीन डिजिट में तीसरा डिजिट इवेन सम हो, देखिए हम जहां जहां पे मेन बात है उसको समझिएगा, यदि कोई नंबर आठ से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का तीन डिजिट लेते हैं, अगर इन तीन डिजिट में तीसरा डिजिट इवेन हो तो लास्ट का दो ही डिजिट लेते हैं, तथा अगर लास्ट का तीन डिजिट में तीसरा डिजिट ऑड हो यानी विषम हो तो लास्ट के दो डिजिट में चार जोड़कर चेक करते हैं। चलिए कि यहाँ एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देते हैं 3924869, हम कहें कि इसमें आठ से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए पहले तो हम यहाँ तीन डिजिट ले लेंगे। अब तीन डिजिट लिए तो देख रहे हैं कि ये इवेन है, तो इस नंबर को छोड़ देंगे। अब 29 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 5 शेष बच गया, मतलब ये 8 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। अगर एक और एग्जांपल ले ले 4329623328, अब हम कहें क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट का तीन डिजिट लेते हैं और इसमें 8 से डिवाइड करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि तीसरा डिजिट जो है ये आपका क्या है, ऑड है, तो लास्ट के दो डिजिट में चार जोड़ते हैं, तो 28 में चार जोड़ेंगे कितना होगा, 32, और ये 8 से डिवाइड करेंगे और 4×32 पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0। आप ऐसे भी चेक करके देख लीजिए, 8 से 328 में भाग दीजिए और 4×32 और फिर 8×8, क्या शेष बचा, नहीं बचा। तो आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी,
कि किस तरह से हम लोग डिविलिटी रूल में छोटे छोटे नंबर से भी हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो आप दो वाला केस समझे कि नहीं, दो वाला में लास्ट का वन डिजिट, चार वाला में लास्ट का दो डिजिट, और आठ वाला में लास्ट का तीन डिजिट, और आठ में इतना एक कंसेप्ट बताया जो मैंने आपको लिख कर बताया। उसी तरह से सपोज कुछ और बात समझ लेते हैं। उसी तरह से सपोज कोई नंबर हो, कोई नंबर हो 3294862 8, और कहें कि इसमें 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह पूर्णतः कटेगा? तो आठ तक आप केस समझ गए होंगे, दो में एक डिजिट लेते हैं, चार में दो डिजिट लेते हैं, और आठ में कितने डिजिट लेते हैं? तीन। तो हमने बताया कि दो रहे, दो से अगर डिवाइड करना है, फिर से हम बता रहे हैं आपको, पहले इसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले यहां पे एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मैंने बताया कि कोई नंबर है उसमें अगर दो से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब होता है 2 पर पावर 1, इसका मतलब लास्ट का कितना डिजिट? वन डिजिट। अगर चार से डिवाइड करते हैं इसका मतलब होता है 2 पर पावर 2, तो इसका मतलब होता है लास्ट का कितना डिजिट? दो डिजिट। फिर अगर हम आठ को करते हैं तो 2 पर पावर 3, ये 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब लास्ट का कितना डिजिट? ओनली 3 डिजिट। और इसका एक और कंसेप्ट बता दिए जो इसके पहले लिखवा चुके हैं, अगर हम यहाँ पे 32 लिख दिए तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 8 के बाद 16 आएगा, माई मिस्टेक सॉरी, पहले हम 16 का कंसेप्ट समझ लेते हैं तब 32 पे बात करेंगे। अगर हम 16 का बात करें तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 4, इसका मतलब लास्ट का कितना डिजिट लेंगे? 4 डिजिट लेंगे। उसके बाद आएगा अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 पावर 5, तो लास्ट का कितना डिजिट लेंगे? 5 डिजिट लेंगे। इस तरह से डॉट 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 बहुत बड़ा नंबर है और लास्ट में 2 पर पावर n हो तो इसमें क्या लेंगे? लास्ट n डिजिट लेंगे। ये बात समझ में आया होगा, यानी 2 वाला जो भी 2 के पावर में जितने नंबर होंगे वो इसी कंसेप्ट में बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे अब हम सीखेंगे किससे? 16 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? 16 से। तो 16 से क्या ये पूरे नंबर में डिवाइड करेंगे? पूरे नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे, लास्ट का कितना डिजिट लेंगे? 4 डिजिट लेंगे। और इसमें आप डिवाइड करिए और डिवाइड करके चेक कीजिए क्या ये 16 पूर्णतः काट रहा है। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरते कटेगा? 16 पच्चीस 80, यहाँ 6 बचा, ये क्या मरते लगेगा? 16 चौका 64, यानी 16 3 48, 12 में से 8 गया 4 1 8, 16 9 144, कितना बच गया? 4, यानी यहाँ पे शेष कितना बच गया? 4। तो जब शेष बच गया तो क्या ये इसको पूर्णतः काटेगा? पूर्णतः नहीं काटेगा। तो आपको 2 का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं, सुनते सुनते याद हो जाएगा। अगर आप क्लास को एकदम बारीकी से देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं, तो आपको घर पे सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कंसेप्ट को याद करने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने का चीज होता है। अगर आप कंसेप्ट को रटिएगा, अगर आप यही चीज बता दें कि देखो 2 से कटने के लिए लास्ट का 1 डिजिट लेते हैं, 4 से कटने के लिए 4 से कटने के लिए 2 डिजिट लेते हैं, 8 से कटने के लिए 3 डिजिट लेते हैं, 16 से कटने के लिए 4 डिजिट लेते हैं, तो बताइए आप कितना याद रखते हैं। लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैं कह दूं कि बताइए 128 से कटने के लिए आप कैसे चेक कीजिएगा? तो कुछ नहीं करेंगे, 128 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 पावर 7 आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। आप इसको गुना करके देखिए, 2 4 8 16 32 64 128, यानी कितना आ जाएगा? 2 पर पावर 7, या लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे? 7 डिजिट। जितना नंबर देगा बड़ा, उतना ही नंबर से डिवाइड करने के लिए आपको चेक करने के लिए देगा। जैसे लिख देगा, निम्नलिखित में बताइए कि इनमें से कौन सा 4 से डिविजिबल है। तो सारे नंबर को अगर आप चेक कीजिएगा, सोचिए आपका टाइम कितना लॉस होगा, और एग्जामिनेशन में जो टाइम का बचत करता है वही बहादुर बच्चा होता है।
ऐसा नहीं कि मैथ तो सबको आता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में जाना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। सीट उसी के लिए रिजर्व है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं जरूरी है। आपको कंपटीशन में स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क कीजिएगा तो आप हमेशा पीछे ही रहिएगा, आपका सीट कभी भी आपके लिए नहीं रहेगा। तो स्मार्ट वर्क जरूरी है, और स्मार्ट वर्क के लिए आपका कंसेप्ट होना जरूरी है, और कंसेप्ट के लिए आपका ये चैनल हमेशा आपके साथ है और हमेशा साथ देगा जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। आप समझ सकते हैं ये कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। दो के कंसेप्ट से दो को आप करते जाइए, दो पर पावर एक, दो पर पावर दो, जितना नंबर है आप उस नंबर से चेक करने के लिए इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट एक डिजिट क्यों लिए, चार में दो डिजिट क्यों लिए, आठ में तीन डिजिट क्यों लिए, सोलह में चार डिजिट क्यों लिए, ये कंसेप्ट आपको शुरू में ही बता दिए हैं संख्या के फॉर्मूला से। अब याद रहे मेरे भाई, जब दो से जब बात हो जाता है तो जो दो का रूल होता है वही पांच का रूल होता है। हम एक एक करके बताएंगे, पहले दो फिर हम लोग पांच, क्योंकि दो और पांच का रूल सिमिलरिटी है, दोनों में समानताएं हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे थ्री और नाइन में, क्योंकि थ्री और नाइन का रूल समान है। तो हम लोग एक एक रूल का बात करेंगे। पहले ही बता चुके हैं कि दो से लेकर आपको ग्यारह तक का जो रूल होता है, डिजिबिलिटी रूल होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। और याद करने में ऐसा नहीं कि रट्टा मरना है, रट्टू मल की तरह आपको कंसेप्ट हम देंगे, क्योंकि इस चैनल पे कंसेप्ट का ही बात हमेशा होती है। रटवाना तो अलग चीज है, ऐसे तो याद बहुत कुछ है जो याद भी किया जाता है, लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है कि जितना हो सके कंसेप्ट दे, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है पावर ऑफ मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स का पावर होता है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कंसेप्ट का मायने रखता है। आप रट लिए तो रटने से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से रट के जाइए और वहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट होना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको सफलता दिलाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ पाँच का रूल सीख लेते हैं। दो से जितने भी रूल बनेंगे मैंने आपको बता दिया, आप इस पे क्वेश्चन को मारिएगा, बनाइएगा, आपको जरूर बनेगा। फिर से बोल दे रहे हैं, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, दो से कटने के लिए लास्ट का कितना डिजिट, एक, क्यों लेते हैं बता दिए। चार से कटने के लिए लास्ट का कितना डिजिट, दो डिजिट, क्यों लेते हैं बता दिए। आठ के लिए तीन डिजिट, 16 के लिए चार, 32 के लिए पाँच, उसी तरह 64 के लिए छः, डॉट डॉट डॉट, टू पर पावर एन के लिए एन डिजिट चाहिए। अब सोचिए आप एन का बात कर रहे हैं, एक दो नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एन नंबर का बात कर रहे हैं। सोचिए आपके अंदर कितना एबिलिटी होगा जब सारे क्लास को ज्वाइन करके आप कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब हम लोग पाँच का बात करते हैं। सपोज दो अंकों की संख्या का बात करें, क्योंकि संख्या तो हमेशा कम से कम दो अंक तो होना ही चाहिए। एक से जीरो से लेकर नौ तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। उसके बाद दस से लेकर जहां तक आप जा रहे हैं इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है, आपका संख्या है। संख्या जो बनते हैं डिजिट से ही बनते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पांच से कटने का क्या रूल है और क्यों ऐसा रूल है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखिए, अभी मैंने बताया कि दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+b होता है, 10a+b। इसी को नाम ऐसे लिखते हैं ab, इसी एबी का ये 10a+b है। अगर हम तीन अंकों की संख्या का बात करें तो 100a, फिर क्या होगा 10b और प्लस सी, इसी को ना लिखते हैं ABC। देखिए शुरू का ही पेज में आपको हम बताए हैं, देखिए यहां पे इतना बड़ा नंबर है ABCD, पांच नंबर है, तो पांच नंबर का संख्या का ये फॉर्मूला होता है। बताया है कि नहीं बताया, ये आपको शुरू में ही कंसेप्ट बताया। और देखिए जैसे यहाँ तीन डिजिट का नंबर है, इसका फॉर्मूला क्यों ऐसा होता है आपको सब बात बता चुके हैं। तो इस बात पे आप समझ सकते हैं कि सारे नंबर का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग तीन डिजिट का बात करते हैं, तीन डिजिट का जब हम लोग बात करेंगे तो कितना फॉर्मूला होगा, 100a+10b+c, इसी को ना ABC बोलते हैं। फिर अगर हम चार डिजिट का बात करें तो क्या होगा, 1000a, फिर क्या होगा 100b, फिर क्या होगा 10c, और लास्ट में d, इसको क्या लिखते हैं ABCD। ये आपका दो नंबर है, ये तीन नंबर है, और ये कितना नंबर हो गया, चार। अब हम किसका रूल सीखेंगे, पांच का रूल सीखेंगे, पांच से विभाज्यता रूल, पांच से विभाज्यता का नियम। अब समझिए अगर हम इस नंबर का बात करें तो इसमें अगर 10a प्लस b में
पांच से डिवाइड कीजिएगा तो ये पांच इसको काट देगा बट इसको नहीं काटेगा, यानी मुझे चेक करना है बी बाई फाइव, यानी लास्ट का डिजिट एक डिजिट लेना है, यानी दो अंकों की संख्या रहेगा तो उसमें एक डिजिट लेंगे, तीन अंकों की संख्या रहेगा उसमें भी एक डिजिट लेंगे। कहने का मतलब अगर हम पांच से काटने का रूल सीखेंगे तो सिर्फ लास्ट वाला डिजिट उठाएंगे। जैसे इसमें देखिए, अगर इसका हम बात करें यहाँ पे क्या है 100 ए, फिर क्या है 10 बी और प्लस क्या है सी, और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 इसको काटेगा, जैसे ये 5 इसको काटेगा तो शेष कितना आएगा जीरो, बट इसको तो नहीं काटेगा यानी इसको चेक करना है। 5 से इसको काटेगा शेष कितना आएगा जीरो, इसको काटेगा तो शेष कितना आएगा जीरो, लेकिन इसको नहीं काटेगा तो सी बाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, सी बाई 5। अगर हम इसका बात करें तो इसमें देखिए ये क्या है आपका 1000 ए, 100 बी, 10 सी, डी, और इसको 5 से चेक करना है। तो 5 से जब इसको काटेगा तो शेष कितना आएगा जीरो, इसमें भी काटेगा तो शेष कितना आएगा जीरो, 5 से 10 कटेगा कितना बढ़ते जीरो, लेकिन लास्ट वाला नंबर नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दो से काटने के लिए यूनिट डिजिट को लेते थे, इकाई अंक को लेते थे यानी फर्स्ट डिजिट को लेते थे, तो 5 से कटने के लिए भी यूनिट डिजिट लेंगे, फर्स्ट अंक लेंगे, इकाई अंक लेंगे, सबका मतलब एक ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूँ 3 2 8 9 7 6 2 6 8 4 9। अब हम कहें कि ये 5 से कटेगा तब क्या कीजिएगा, लास्ट वाला डिजिट पकड़ लीजिए 9/5, जब इसको आप काटिएगा तो शेष कितना बचेगा 4, जब शेष 4 बचा तो ये पूरा पूरी नहीं काटेगा, यानी 5 से विभाज्य नहीं है, पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम के लिए लास्ट का डिजिट लेते हैं। अगर यही नंबर, अब 5 का आप स्क्वायर में जाइए तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का क्यूब जाइए 125, 5 पे पावर 4 जाइए 625, 5 पे पावर 5 जाइए तो कितना होगा 3125। तो अब हम लोग बात करेंगे 5 के लिए। अब मान लीजिए यही संख्या है 10a+b, ये तो दो ही नंबर है, दो नंबर जब रहेगा तो कम से कम आप 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दो डिजिट तो है ही, तो कम से कम तीन डिजिट का बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूँ तीन डिजिट का एबीसी है, एबीसी कोई नंबर है तो एबीसी को क्या लिख सकते हैं 100a, फिर क्या ले सकते हैं 10b, और फिर क्या ले सकते हैं सी, इसको चेक करना है कि 25 से कटेगा कि नहीं, तो 25 से ये 100 कट जाएगा तो सी जे शेष कितना आएगा जीरो, बस लास्ट का दो डिजिट नहीं कटेगा, यानी 25 से कटने के लिए आपको दो डिजिट लेना होगा। याद कीजिए इसके पहले 4 से कटने के लिए कितना डिजिट लेते थे दो डिजिट, तो 25 से भी कटने के लिए कितना डिजिट क्यों लेते हैं हम दो की तरह ही बताएंगे। अगर कोई 4 नंबर का फॉर्मूला है तो 4 नंबर को क्या लिखिएगा 1000a, फिर क्या लिखिएगा 100c, फिर क्या लिखिएगा 10 यहाँ पे बी कर दीजिए 100b, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका B हो गया, ये C और ये D, फिर इसको आप 25 से चेक कीजिएगा तो 25 इसको काट देगा तो जीरो शेष आएगा, 25 इसको काट देगा शेष जीरो आएगा, बट ये लास्ट का दो डिजिट नहीं कटेगा। और ये दो डिजिट का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये BC है यानी BC बाई 25, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं CD बाई 25, यही ना समझ रहे हैं। जैसे इधर आप देखिए, जैसे इस नंबर में देखिए यहाँ पे एबीसी है, ये दो डिजिट का मतलब क्या समझ रहे हैं बीसी बाई 4, यहाँ पे दो डिजिट का मतलब क्या समझ रहे हैं सीडी बाई 4, समझ रहे हैं कि नहीं। इसी ना सीडी को हम लोग ये बड़ा रूप लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप लिखते हैं। तो आप जिस तरह से दो का रूल सीखे हैं उसी तरह से आपको पांच का रूल सीखना है। तो चलिए, तो अपने पांच वाला रूल समझ में आ रही है कि 25 से कैसे कटेगा। अब जरा देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दे 3 2 9, जैसे यहाँ लिख दे 3 2 9 4 8 6 2 8 9 3 4 2 8 7 5। अब हम कहें कि चेक करके बताइए कि ये 25 से कटेगा, तो मैंने क्या बोला 25 है तो 25 में कितना डिजिट लेते हैं दो डिजिट, तो 75 है, 75 में दो से डिवाइड कीजिए कट जाएगा तो शेष कितना आएगा जीरो, जब कट गया यानी ये पूरा नंबर क्या होगा कट जाएगा, यानी लास्ट का दो डिजिट अगर कट गया तो सब नंबर आपका 25 से कटेगा। अब ऐसा क्यों होता है तो समझिए, अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 5/1, यानी इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जिस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं लास्ट का वन डिजिट, लास्ट का कितना वन डिजिट, लास्ट का कितना टू डिजिट, क्यों पावर वन है तो वन डिजिट, पावर दो है तो दो डिजिट, पावर तीन है तो तीन डिजिट, उसी तरह से आपको इसी में आगे बताए थे
यहां देखिए पावर 4 है तो 4 डिजिट, पावर 5 है तो 5 डिजिट, उसी तरह से 5 वाला में भी लेते हैं। अगर 5 पे पावर 1 है यहां क्या लेंगे, लास्ट का 1 डिजिट लेंगे। क्यों? क्योंकि पावर 1 है। अगर यहां पे 25 रहेगा तो 25 का मतलब क्या समझते हैं, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट। अगर यहां पे 75 रहे, 75 नहीं, 5 के बाद 25 आया तो फिर क्या आ जाएगा, सवा सौ, सवा सौ रहेगा तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब क्या, लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट। फिर अगर यहाँ पे 625 रहे, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 सवा सौ, सवा सौ 25 कितना हो जाएगा, 625। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 625 का मतलब क्या होता है, 5 पर पावर 4, यानी यानी आपका क्या हो जाएगा, लास्ट का कितना डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट। इस तरह से डॉट 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 बहुत सारा हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 पर पावर एन लिख दिए, इसका मतलब क्या समझेंगे, लास्ट का कितना डिजिट, एन डिजिट। समझ में आया कि नहीं? तो आप देख सकते हैं दोनों कंसेप्ट, 2 का कंसेप्ट और 5 का कंसेप्ट सेम है। और ये भी जानते हैं कि 5 से कटने वाला में आपका लास्ट में 0 भी होना चाहिए। वो तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में जो 0 रहेगा तो 5 से कटेगा। तो बताइए ये सब जो कंसेप्ट है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको आज 2 का जितने भी फॉर्म होते हैं वो समझ गए होंगे, 5 का जितने भी फॉर्म होते हैं वो समझ गए होंगे कि कैसे विभिज्यता, बड़ा से बड़ा डिवाइड है उसको चेक करना है। और एक बड़ा ही स्पेशल कंसेप्ट बताया है, 8 वाला। 8 वाला कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला जो बात लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप लेक्चर देखिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें जो जो लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका एक नोटबुक बना लीजिएगा कि कभी भी अगर समझ में नहीं आए तो आप उस नोटबुक के सहारे आप समझ सकते हैं। आपको हम बता दें कि ये सिर्फ डीलेट के लिए नहीं है, आपके लिए वन डे कोई भी जनरल कंपटीशन हो वहां पे ये सब काम करेगा। और मैं आपको एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना, एकदम जीरो से, ऐसा नहीं कि एकाएक 20 से कोई उठा दिया। ऐसे स्टार्टिंग में जब एचसीएफ एलसीएम लिए थे बस थोड़ा सा बताए हुए थे, वो समझिए तो इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको फर्स्ट डे जब हम आपको क्लास दिए थे तो आपको जो सर है वो भी सर बताए थे कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। अब जो क्लास स्टार्ट हुआ है नंबर ऑफ सिस्टम से, यानी नंबर, सॉरी, नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, वहाँ एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ है, एकदम इनिशियल पॉइंट से। फिजिक्स में पढ़े होंगे इनिशियल पॉइंट, एकदम वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पूरा डिटेल यहाँ पे बात होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 7 महीना जो भी हो टाइम लगेगा, लेकिन एक एक बात आपका यहाँ पे क्लियर होगा विद प्रूफ, विद कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि ऊपरे ऊपरे हम लेके चल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो क्लास है 2 और 5 का, और 2 पे डिपेंडेंट जितना भी पावर हो, पावर एन का बात की है मेरे भाई, और 5 पे पावर जितना एन हो वो सारे नंबर आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, विद प्रूफ, विद कंसेप्ट, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, सबके साथ हमने आपसे बात की। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विभिज्यता का रूल के साथ। जय हिंद, नमस्कार।